हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस वक्त मैं हूँ रश्त ईरान में, जहाँ पर एक चेस का कंपटीशन शुरू होने को जा रहा है। और ये देखें, यहाँ पर चेस बोर्ड्स, कितना बड़ा प्लेइंग हॉल है, कितना बड़ा। मैंने सोचा कि मैच शुरू होने से पहले एक दफ़ा मैं आपको प्लेइंग एरिया दिखा दूँ। एक्चुअली ये स्पोर्ट्स स्टेडियम है जहाँ पर ये इवेंट करवाया जा रहा है। कुछ बोर्ड्स लग चुके हैं, अभी कुछ लगने जा रही हैं। तमाम बोर्ड्स अभी नहीं लगे और अभी कुछ एक्स्ट्रा टेबल उस साइड पे मजीद लगेंगे। ईरान का जी काफ़ी बड़ा लेवल है, चेस यहाँ बहुत ज़्यादा होती है और इनकी जो स्ट्रेंथ है, चेस की स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर जो 1400 1500 के जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ये आपको मैं डिफरेंट एंगल से दिखा रहा हूँ। तो भाई, मैं यहाँ बता रहा था कि जो बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। वैसे बच्चे की तादाद भी ज़्यादा खेलने वालों की, लेकिन उनकी जो चेस पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ एक नहीं, कितनी ही बार देखा गया है कि किसी बच्चे की रेटिंग है लाइक 1300, तो वो बीट कर रहा है 1900 वाले को, वो बीट कर रहा है 1800 वाले को, इवन कि वो ड्रॉ कर रहा है 2000 वाले को। यहाँ से मालूम होता है कि ईरान में चेस पर कितना ज़्यादा काम किया जा रहा है। यहाँ बहुत आम सा रवाज है, पार्क में आप किसी भी पार्क में जाते हैं ऑलमोस्ट वहाँ आपको चेस का, ये नहीं है कि सिर्फ बोर्ड पड़ा हुआ है, तो बाकायदा उसकी एक पॉइंट बना होता है, एक जगह बनी होती है जहाँ खेल रहे होते हैं। कोई भी आके फ्री में चेस खेल सकता है। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, यहाँ पर चेस बहुत इनकी आम है। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि ईरान की इंटरनेशनल चेस इवेंट्स में पार्टिसिपेशन बहुत कम होती है। उसकी वजह यही है, शायद ईरान पर जो सैंक्शन है उसकी एक वजह तो ये हो सकती है। लास्ट टाइम अगर मैं 2022 की बात करूं, एशियन एमेच्योर चेस चैम्पियनशिप की, तो मेल कैटेगरी में इनका चैम्पियन हुआ था, यानी कि ईरान का ही चैम्पियन बना था। फीमेल कैटेगरी में भी ईरान की ही एक लड़की थी जो कि आई थिंक 17-18 साल की थी, वो चैम्पियन बनी थी। ये मैं बच्चों की कैटेगरी की बात नहीं कर रहा, मैं एशियन एमेच्योर चेस चैम्पियनशिप की बात कर रहा हूँ जिसमें एडल्ट भी खेलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस ब्लॉग को। मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।